तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं आरएस अग्रवाल का, नए एडिशन यानी 2020 से। तो क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 1 भी है हमारा, है ना, कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चार डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली, जो कि एग्जैक्टली क्या हो, डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36, तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, हमें वो निकालना है। तो अब ये कैसे होगा, हमें मालूम है कि चार डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर होता है 4x9, यानी कि 9999, ये ग्रेटेस्ट डिजिट है आपका फोर डिजिट। तो अब कैसे क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या करना कि आप इन तीनों का निकाल लो एलसीएम। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी का यूज़ का, इस मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 का, तो 15 का क्या होगा कि 3 × 5, है ना, देन 24 है तो 24 का क्या हो जाएगा हमारा, तो 24 का 12 × 6, यानी कि 2 टू द पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा कि 3, तो 8 हो जाएगा, 8 × 8 = 24, ठीक है। 36 है तो 36 का क्या होगा हमारा, तो 9 × 9 = 36 ना, यानी कि 3 × 2 × 3 तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो 9 × 36, है ना, 9 × 4 = 36, तो ये हो गया हमारा 36। चलिए अब जो है हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखो, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कि 2 है तो 2 पे पहले पावर मैक्सिमम लेंगे, तो 2 पे पावर मैक्सिमम 3 है तो वो ले लिया, इनटू 3 भी है तो 3 पे पावर मैक्सिमम 2 है तो वो ले लेंगे, देन 5 भी है तो 5 भी ले लेंगे। तो यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा कि ये आ गया हमारा 9, देखो ये आ गया आपका 8 × 9 × 5, ठीक है, 9 × 5 = 48, 40 × 9, तो 40 × 9 जब करेंगे हम लोग स्टूडेंट, तो एल सी एम जो है हमारा आया 40 × 9, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 9 × 36 = 360, ये आ गया एलसीएम। अब समझो इस बात को, ये जो 360 है ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा अभी हमारा 15 से भी, 24 से भी एंड 36 से भी। अब क्या करेंगे, तो अब देखो हमें बोला कि ग्रेटेस्ट हमें क्या निकालना है, फोर डिजिट नंबर निकालना है जो कि तीनों से डिविजिबल हो। तो अच्छा एक बार बताओ कि हमें मालूम कि लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट बोलो या ग्रेटेस्ट बोलो, बात एक ही है, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, हमें मालूम है कि 4x9 यही होता है ना, 9999, यही हो गया हमारा ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब जो है ना इसको इससे डिवाइड करेंगे, समझना इस बात को, जब डिवाइड करेंगे देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, तो यानी कि 9999 को जब अपन डिवाइड करेंगे 360 से तो कितने बार में होगा, देखो तो ये आ जाएगा आपका 2 बार में, तो ये हो जाएगा 0, 6 × 12 = 1, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 × 6 = 7, ठीक है, ये हो गया 9, यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 2, ठीक है, देन अगेन ये 9 उतर जाएगा। अब कितनी बार में डिवाइड होगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट इस 7 times में जो है आपका डिवाइड होगा, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 7 × 0 = 7, 7 × 6 = 42, 2 हाथ में रहा 4, ठीक है, 7 × 21 = 25, तो ये हो गया हमारा 25, यानी कि कितना आ जाएगा, ये गया 9, यहाँ आ जाएगा 7 और ये हो गया हमारा कितना, 7 × 5 = 2 निकल जाएगा, यानी कि यही रिमाइंडर आ गया हमारा, कितना आ रहा है 279, ये रिमाइंडर आ रहा है। तो अब समझो इस बात को स्टूडेंट, हमें मालूम है कि जब 360 जो है हमारा 360 वो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो 360 का जो मल्टीपल होगा, मल्टीपल तो 360 का मल्टीपल जितना भी आए, जैसे 360 का मल्टीपल जो है दूसरा मल्टीपल होगा क्या आपका 720, तो 720 भी जो है इस तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो 360 का जो मल्टीपल जो भी होगा ना वो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो अब देखो समझना बात को, अगर मैं इस रिमाइंडर को इसमें माइनस कर दूं तो वो जो आएगा वो मल्टीपल आएगा
360 का मल्टीपल आंसर आएगा और वो डिविजिबल होगा। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा के 9999 माइनस कर दो उसमें जो रिमाइंडर आया है आपका 279, इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आपका जो है स्टूडेंट आ जाएगा कितना, 9 से 9 के 0, 7 में से 9, 9 से 7 के 2, देन यहाँ हो गया 9 से 2 के 7 एंड ये 9। तो यही आपका वो लार्जेस्ट नंबर आ गया स्टूडेंट, ये जो है आपका एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, इन तीनों नंबर से। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है आपका ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 360 से, और 360 से जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो ये 360 का मल्टीपल में आ रहा है, और ये जब इसके मल्टीपल में है तो ये तीनों से भी डिविजिबल होगा। तो 9720 यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।